इसलिए हम उनसे तो कई बार विश्वास तो करते हैं, विश्वास करते विश्वास करते हैं, पर जब वारी विश्वास करने की आती फिर हम कर नहीं पाते। डॉक्टर ने कहा कि क्या हो गए हैं, ब्रेस्ट में गिल्टी होने के कारण क्या हो गया बोलो, यहरवा। तो डॉक्टर ने मना किया था इसको दूध पलाने के लिए, दे दो माइक, कोई बात नहीं। हाँ जी पापा जी। हाँ, मतलब जिस साइड गिल्टी हो गई है तो उसमें यहर बाद हो गया है, तो उस इसको दूध नहीं पलाना। हाँ जी। तो फिर जब उन्होंने मना किया तो फिर आप क्यों पलाते रहे? अब बोल रहे थे मैं परमेश्वर पे विश्वास करके। हाँ, ये बड़ी बात है। ब्रेस्ट में जो गिल्टी दी है शैतान, जो दर्द दी, चल छोड़ छोड़ पूरी तरह से शैतान। हालेलुया। इस सिस्टर का नाम नेहा है और जे पो एक गांव के रहने वाले हैं, और इस सिस्टर की गवाही जे जे बता रहे हैं कि 3 हफ्ते हो गए थे, जिस सिस्टर बता रही कि रात के समय नेक्टिविटी के प्रभाव के कारण इन्हें बुरे बुरे सपने आते थे और नेक्टिविटी इन पर अटैक कर रही थी, जे बता रही कि सपनों के कारण, और जी बता रहे कि जिसके कारण जी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके थे, और जी बता रहे कि इसके कारण ही जब बता रहे कि इनके राइट साइड ब्रेस्ट में काफ़ी बड़ी गिल्टी हो गई थी और उसके कारण उन्हें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ थी, दर्द रहती थी, और जी लगातार मेडिसिन ले रहे थे पर इन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो सिस्टर जी आप बताइए कि जब आपको गिल्टी की प्रॉब्लम हो गई थी, बहुत बड़ी गिल्टी थी आपकी ब्रेस्ट में, और उस समय आपके मन में कैसे विचार आते थे और डॉक्टर ने आपको क्या बताया था? जैमसी पापा जी, जैमसी मामा जी, सारी कलीसिया नु मेरे वालों जैमसी। सिस्टर जी जो मेरी गिल्टी हुई सी, मतलब जेरा कोई देखता कोई कहता सी जहर बाद हुई अपने बच्चे नु दूध ना दईए बीमार हो सकता है। डॉक्टर ने भी क्या ही गिल्टी काफी वड्डी टेस्ट भी करवाना पिया सकता। और आपने ये भी बताया कि डॉक्टर आपको मेडिसिन दे रहे थे लगातार, आप मेडिसिन खा रहे थे पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। हाँ जी, 5 दिन की मेडिसिन खाती मैं लगातार, और उसके कारण आपको रात के समय सोने में भी काफी तकलीफ थी, आप ऐसे राइट साइड ऐसे लेट नहीं सकते थे। हाँ जी, एक साइड पूरा खराब है जंदा सी, ओदे नाल बुखार भी चढ़ जंदा सी, काफी स्वेलिंग होती थी। और जैसे कि आपका छोटा बच्चा है और आप अपने फीड भी उसे दे रहे थे, पर आप इस विश्वास से दे रहे थे कि परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं। हाँ जी, मैं परमेश्वर दे अगे रखा है कि परमेश्वर मैंने इधर की साइड से दूध पिना है, मैंने कोई जहर बात नहीं हुई, मैं सिर्फ परमेश्वर दे घर ही धन्यवाद करके इन्हें दूध दिंदी रही, क्योंकि कलीसिया जे नॉर्मल नहीं है। डॉक्टर ने इन्हें बताया था कि आपको जहर बाद है, आप अपना टेस्ट कराएं, आप MRI कराएं और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसका क्या ट्रीटमेंट करना है आगे। पर जी बता रहे कि जैसे इस मिनिस्ट्री की टीचिंग है पॉजिटिव प्रेयर और अंगीकार, और इन्होंने विश्वास के साथ एक अच्छे अंगीकार से जो अपने बच्चे को दूध दे रहे थे और जो धन्यवाद कर रहे थे कि परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर चुके हैं और मेरे लिए जो प्रॉब्लम नहीं है, और जैसे जो सिस्टर का अच्छा विश्वास कर रहे थे, धन्यवाद दे रहे थे, और जो बता रहे कि जब इन्होंने 28 जुलाई की मीटिंग को अटेंड किया तो परमेश्वर के दास के द्वारा इनके लिए लेहन प्रार्थना हुई। आइए पहले हम इस वीडियो क्लिप को स्क्रीन पर देखते हैं। दिन से नेगेटिविटी के कारण जो सपने आते हैं, जकड़न रहती है, और सज्जे पासे जो ब्रेस्ट में जो गिल्टी है, एक पासा दर्द करता है, इन द नेम ऑफ जीसस चल चला, छठ गंदी आत्मा छठ निकल पूरी तरह से उकड़, इसकी छोड़। तो रात के समय इसके ऊपर अटैक करता है, जो तूने इसकी बॉडी में जो जकड़न दी है, इसकी ब्रेस्ट में जो गिल्टी दी है शैतान, जो दर्द दी है, चल छोड़ उखड़ पूरी तरह से शैतान, गंदी आत्मा निकल निकल इसके शरीर से, शट इन द नेम ऑफ जीसस, चलो खड़ शट पूरी तरह से, शट फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, चल पूरी तरह से शैतान टूट, इसकी जिंदगी इसके शरीर पर जो तेरा प्रभाव है मैं तोड़ता हूं इन द नेम ऑफ जीसस, फ्री, चल छोड़, रखो इसकी ब्रेस्ट के ऊपर हाथ रखो, चल शैतान तेरे काम को मैं तमाम करता हूं,
तमाम करता हूं तू पांव के नीचे खुदा के दास के द्वारा लेहन प्रार्थना हुई तो इन्होंने बताया कि फिर इन्होंने इनके मन की चाह थी कि जो पर्सनल मीटिंग भी करेंगे खुदा के दास के साथ, क्योंकि जो प्रॉब्लम डॉक्टर के कहने से काफी बड़ी थी। डॉक्टर ने बताया था कि जहर बाद है, आप टेस्ट कराएं, एमआरआई कराएं। तो ये जो बता रहे लेहन होने के बाद जब इन्होंने पर्सनल मंडे की मीटिंग अटेंड की खुदा के दास के दास के साथ इन्होंने मीटिंग की, तो ये बता रही कि परमेश्वर के दास ने इनको उत्साहित किया, टीच किया कि जो आप एक अच्छंगी कार कर रहे हो, अपने अपने इस प्रॉब्लम के ऊपर अपना मन नहीं लगाना, अपने मन में अपनी सोच में कोई विचार नहीं लेकर आने, ओनली अपने धन्यवाद देना है परमेश्वर को कि जो वचन परमेश्वर के दास के द्वारा आपके लिए आया, जो आपके लिए प्रेयर हुई है, अपनी प्रार्थना करनी है, धन्यवाद देना है। तो परमेश्वर आपको इस प्रॉब्लम से फ्री कर चुका है। और जैसे इनको उत्साहित किया गया था और जब बता रहे कि जे फिर धन्यवाद देते रहे, अपनी प्रार्थना में बने रहे, और जब बता रहे कि परमेश्वर ने आज इन्हें इस प्रॉब्लम से फ्री कर दिया। तो सिस्टर जी आप बताइए, आप कितने दिन में परमेश्वर ने आपको इस प्रॉब्लम से फ्री कर दिया? मंडे दी पर्सनल मीटिंग तो बाद में बिल्कुल सही हो गई। तो सच में क्लेसिया आज सिस्टर पूरी तरह से इस प्रॉब्लम से फ्री है, जो नॉर्मल गवाही नहीं है क्लेसिया, क्योंकि सच में जो इनकी ब्रेस्ट साइड ब्रेस्ट में जो राइट साइड इनकी गिल्टी हो गई थी, काफी बड़ी थी, काफी ज्यादा इन्हें प्रॉब्लम थी, पर फिर भी जो एक विश्वास से, एक अच्छेंगी कार से धन्यवाद कर रहे थे, अपने बच्चे को दूध भी पिला रहे थे, पर सच में इनके विश्वास से और जो खुदा के दास के द्वारा इनके लिए लेहन प्रार्थना हुई, पर्सनल मीटिंग की और भी इन्होंने सीखा, अपना दीन मन लेकर आए, तो सच में आज खुदा ने अपनी सामर्थ्य इनको पूरी तरह से इस प्रॉब्लम से, इस बीमारी, इस रोग से आजाद कर दिया। हम सब अपने हाथों को हिलाते हुए उस खुदावन परमेश्वर की तारीफ करेंगे, खुदावन परमेश्वर की धन्यवाद करेंगे, क्योंकि सच में क्लीसिया जे नॉर्मल काम नहीं है, जे परमेश्वर ने बड़ी सामर्थ को प्रकट किया है। हम सब जोर से तारीफ करेंगे। क्या नाम है चित्र? जैमसी पापा जी। जैमसी की पापा जी नेहा। नेहा, तो अभी आपने इसकी गवाही सुनी, डॉक्टर ने कहा कि क्या हो गया है, ब्रेस्ट में गिल्टी होने के कारण क्या हो गया बोलो? यहरवाद। तो अभी यहरवाद हो गया, तो क्या क्या कहा था, फिर क्या करना पड़ेगा? पापा जी मैं मेडिसिन खा रही थी, वो कहते टेस्ट करवाना पड़ेगा। तो गिल्टी काफी बड़ी सी। आपकी मेरे मुझे याद है कि जब आप मंडे पर्सनल मीटिंग में आए थे तो डॉक्टर ने मना किया था इसको दूध पिलाने के लिए, जी तो माई कोई बात नहीं। हाँ जी पापा जी। हाँ तो कहते बीमार हो, इसको साथ में रखना, क्योंकि फिर पता चलेगा ना लोगों को, इसको साथ में रखो, तंग करते हैं। कोई नहीं, आप खड़े हो जाओ साथ, कोई बात नहीं। हाँ जी पापा जी, कहते बीमार हो सकता है, दूध ना पिलाओ। मतलब जिस साइड गिल्टी हो गई है तो उसमें यहर बाद हो गया है, तो उस इसको दूध नहीं पिलाना। हाँ जी। तो फिर जब उन्होंने मना किया तो फिर आप क्यों पिलाते रहे? अब बोल रहे थे मैं परमेश्वर पे विश्वास करके। हाँ, ये बड़ी बात है, डर नहीं रखा। हाँ जी। क्योंकि डर बाइबल कहती है एक फंदा है, बोलो। इसलिए हम मुंह से तो कई बार विश्वास तो करते हैं, विश्वास करते हैं, पर जब वारी विश्वास करने की आती फिर हम कर नहीं पाते। मुंह से तो हम कहते हैं विश्वास करते हैं, पर जब वारी विश्वास की करने की आती है ना, सिचुएशन में, प्रॉब्लम में, समस्या में, तब पता चलता है हम विश्वास करते हैं, हम विश्वासी हैं भी कि नहीं है, इसे पता चलता है। तो देखो, अगर यहर बाद हो गया है तो डॉक्टर ने मना कर दिया कि इस साइड से बच्चे को दूध नहीं पिलाना। ये तब भी क्योंकि ये मेरे पास आई तो बोल रही थी कि डॉक्टर ने मना किया, तो फिर मैंने कहा आप क्यों पिला रहे हो? क्योंकि मैं कहीं का मैं इसलिए बोलता हूँ कि मैं देखता हूँ इनके अंदर विश्वास है, वो चंगा होने का। तो मैंने कहा फिर आप क्यों पिला रहे हो? फिर छोटा बच्चा है, फिर छोड़ दो। नहीं, कहती मुझे विश्वास है, मैं पक्का। मैं कह जाओ फिर पिलाओ, खूब पिलाओ, परमेश्वर आपके साथ है। क्या बोलो, समझ आ रही है? क्योंकि डर एक फंदा है, बोलो क्या डर है?
तो ये पलाती रही, मैंने कहा ठीक है जाओ, प्रभु आपको क्या कर चुका है। कितने दिन में फिर फ्री होगी? पापा जी उसी दिन जिस दिन तानू मिल गई थी। लो देख लो, हाँ ये यही फायदा है परमेश्वर के पास जाने का। बोलो क्या है? क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो मेडिसिन से भी क्या है, दिखा है ना कि नहीं दिखा है? अभी पता नहीं, अगर डॉक्टर के चक्कर में पड़ जाते तो पता नहीं कितने मतलब दिन लगते, कितना टाइम लगता, पर खुदा ने उसी दिन क्या कर दिया, सब कुछ फ्री कर दिया। हाँ अभी ठीक है सब कुछ, कोई दर्द नहीं, कोई कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है। तारीफ करो मेरे यीशु जी दे जोर में क्या पाते, मेरे यीशु जी दे जोर में क्या पाते, वो दे अके बीमारी देखी औकाते, वो दे अके बीमारी देखी औकाते, वो मेरे यीशु जी दे जोर में क्या पाते।